अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज तैयार कर लेते हैं मेरे साथ रमज़ान के लिए एक और एक इफ्तार रेसिपी, जो कि है चिकन फजीता बॉक्स पैटिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये सुपर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम मैरिनेट कर लेंगे 300 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन, जिसे मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। उसमें ऐड कर लेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस, और यहाँ पे मसालों में मैंने लिया था 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, आप इसे मैजिक मसाला के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड अगर आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिस हो जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल लिस्ट ऐड कर लिया, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस, एंड अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। एंड इसे मैरिनेट होने के बाद यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया था 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। उसमें हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक, एंड देन हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारी मैरिनेटेड चिकन के स्ट्रिप्स। अच्छी तरीके से इसे हाई फ्लेम पे हम सौते कर लेंगे। 1/4 कप पानी डाल के इसे ढक के कुक होने तक के अच्छी तरीके से पका लेंगे। एक बार जब ये कुक हो जाए, यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए थे, जैसे मैंने लिया था 2 टेबल स्पून ऑफ ग्रीन अनियन। हर तरीके की मैंने कैप्सिकम इसमें ऐड की है, रेड, येलो एंड ग्रीन। 1 स्मॉल ईच मैंने लिया है, 1 अनियन स्लाइस लिया है। अच्छी तरीके से हम इसे हाई फ्लेम पर ही सौते कर लेंगे, ओवर कुक करके वेजिटेबल को सौगी नहीं करेंगे। देन यहाँ पे एक स्टिक करने के लिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, जिसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लिया था। इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया था एक थिक सा पेस्ट बनाने के लिए। ये जो हमारी पट्टी रहेगी, उसे स्टिक करने के लिए काम आएगा। देन यहाँ पे एक कोटिंग तैयार कर लेंगे हम, जिसके लिए लिया था 3/4 कप ऑफ मैदा, 1/4 टीएसपी ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीएसपी ऑफ ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स। एंड इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे, इतना पानी ऐड करना है जो बॉक्स पैटिस हम इसमें डिप करें तो ये उसको अच्छी तरीके से कोट कर ले। कंटिन्यूसली चलाते हुए यहाँ पे मैंने पानी ऐड करके एक स्लरी तैयार कर ली थी इसकी। देन हमारा जो चिकन था वो ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप ऑफ ग्रेटेड चीज़ एंड 2 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड स्टफिंग हमारी हो गई थी रेडी। देन यहाँ पे मैंने रेडीमेड समोसे की पट्टी ली थी, जिसे मैंने इस तरीके से प्लेस किया था, आप देख सकते हैं। एक पट्टी को मैंने थोड़ा सा ऊपर के साइड रखा था, ताकि जो फोल्डिंग है ये पीछे तक के लगे एंड हमारे जो बॉक्स पैटिस है उसमें एक्सेस ऑयल ना एंटर कर सके। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो बाहर निकला है, उसे मैंने अच्छी तरीके से स्टिक कर लिया है। ये एक ट्रिक है हमारे पैटिस को ज़्यादा ऑयली बनाने से बचा सकता है। इसे हम ढक के रख देंगे। ढक के रख देने के बाद फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने इसे स्लरी में डिप कर लिया था। स्लरी की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देन हम इसे पैनको के ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। कोट कर लेने के बाद ये स्टेज पे आप इसे जिप लॉक बैग में ऐड करके फ्रीज कर सकते हैं लगभग 1 महीने के लिए, या फिर आप इसे डायरेक्ट गर्म तेल में फ्राई कर सकते हैं अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक के। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फ्रीज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। रेडी हो गई थी हमारी इफ्तार की ज़बरदस्ती रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आते रहोगे आपके पास ऐसी और रेसिपीज़ के साथ। बाय द टाइम आप ये सारी रेसिपीज़ बनाएं, अपने इफ्तार को, रमज़ान को और बेहतर बनाएं। चलिए अल्लाह हाफिज़।